हाय गाइस, सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं हूँ शिरीन मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इजी महाराष्ट्र पूरे वर्ल्ड में फेमस पोहा। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ क्विकली कैसे बनाना। बहुत फास्ट बनती है और बहुत हेल्दी है, वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है पोहा। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, आपको पसंद ज़रूर आएगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट। मैं आज आपको दिखा रही हूँ फोआ महाराष्ट्र स्टाइल। देखिए मैं यहाँ पे फोआ ली हूँ अच्छे से सोक करके, आप देख सकते हो। ये देखिए धो के ली हूँ मैं। फोआ महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, महाराष्ट्र और गोवा में। बहुत इजी भी है, क्विकली बनती है ये रेसिपी और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे ली हूँ, इसको बिकड़ा बोलते हैं, मूंगफली भी बोलते हैं और पीनट भी बोलते हैं। ये पीनट को मैं अभी रोस्ट करके ली हूँ, देखिए रोस्ट करके ली हूँ। प्याज ली हूँ, चिली, पत्ती मिर्च और इसमें कड़ी पत्ता मेन है। अभी मैं यहाँ पर तेल कढ़ाई रखी हूँ, ऑलरेडी गर्म रहूँगी, तो जल्दी से थोड़ा तेल डालेंगे हम। पोहा महाराष्ट्र में बहुत बनता है। और पोहा में राई भी बहुत लगती है, राई, सरसों, बहुत सारी राई। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता, प्याज, सूखी बनने वाली हरी मिर्च रेसिपी है ये नाश्ते में। आप इसको जाने वाले दीजिए पटपट बना सकते हैं, ये रेसिपी बहुत ईजी है। थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को। साउथ में बहुत चलता है पोहा, तो प्याज मेरी ब्राउन हो गई है। गैस का फ्लेम कम करके हल्दी डालना है, तो जल जाएगी। ये रोस्ट हुए फली, मूंगफली, कोतिंगर, थोड़ा सा नमक, कितना अच्छा कलर आ गया है। अभी ये मैं पोहा डाल रही हूँ, इसको चुड़वा भी बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। देखिए इस तरह से अच्छे से, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत फेमस भी है, हेल्दी भी है ये। आप कभी भी खा सकते हो नाश्ते में या स्नैक टाइम, शाम में, इवनिंग टाइम, चाय के साथ। ये देखिए मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है। तो गैस अभी मैं बंद कर ले रही हूँ, ये गैस पे मत रखना, बंद कर देना। जब इतना इससे ऐसे मसाले मिला लेंगे तो गैस बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आप गैस चालू रख के अगर ये बनाते रहेंगे तो ये खड़क बन जाएंगे, नरम नहीं रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पोहा बन गया है, एकदम कलरफुल, आप देख सकते हो। तो अभी इसको आप नींबू भी डाल के खा सकते हो थोड़ा सा, या तो ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन बहुत हेल्दफुल है ये और लाइट नाश्ता है, हैवी नहीं है, बहुत अच्छा है। हर डाइटिशियन भी बोलते हैं पोहा ऐड डाइट में। तो देखिए आपको पसंद ज़रूर आएगा, एक बार बना के ट्राई कीजिए इस स्टाइल में, महाराष्ट्र स्टाइल में। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।
आपको दिखे कि मेरा पोहा बन के रेडी हो गया। देखिए बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। अभी मैं थोड़ा नींबू से गार्निश करके नींबू डाल रही हूँ, आप चाहे तो सिप कीजिए। तो आपको कैसा लगा मेरा पोहा? एक कांदा पोहा है, महाराष्ट्र फेमस और गोवा में भी बहुत फेमस है पोहा, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत इजी है और क्विकली बनने वाली रेसिपी है। तो गाइस प्लीज़ बहुत बहुत लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल पे मैं न्यू हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, यूट्यूब चैनल प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए कल फिर आती हूँ मैं एक नई रेसिपी लेके। तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइज़।